हाय फ्रेंड्स वेलकम टू कौसी रेसिपीज इतरीका पड़ पोल एप्ली नाम इनकी पाकल अद्कान पर कतरी कतरीका कतरीका वाणी ए ना वो इनकी नील कतरीका ना वो कल को वचर अब इंपें इत व वर मिग इत को मल वर को मल इत व कलपरप इत व जीरक इत व मिगु अदावद ना वो स्पून एचर इत वर मिग वो अंजु अंजु वर मिग एचर इत वो कल को एव्वो अंदर उंग अरे कोना इतने डबुला नहींकल अदारी इन ताक कड़गु उलतम अब एल वो रे स्पून कुछ एचर करवेपिल देवान उपायपी अदकान अल्व एन इप्पो कड़ाई वो ना एल एल वरुकन एन इलाम वरुकन इधर ना पड़ पड़न इतमी वेको इनला स्टवे इतना कुछ एन ऊतिक वर मिग अर मिग वरुकन इो इे कलपरपी वरुकन इे कड़ण मल वर को मल इे वरुकन मिग मिग इेड़ों जीरक इे वरुकन वंदय इन ना वरपटी स्टव आफ पड़े आरने नम मिक्स इन कतरीका नाला वह पांपलाण ए नाला वह नम्बर तटको इन कतरीका इतमी नील वाकल नो इप्पो इदे वंदु इंदे मारी इंगे पारुंगे इंदे मारी इरुक्कणुम इंदे काम्ब एडुत्तुक्कणुम इप्पो वंदु वर्किंग वुमन्स्ला इरुक्कांगल्ल अवंगला वंदु नींगे इंदे मारी कत्तिरिक्काय पोरियल सेय्यणुम्ना इंदे मारी पोडि ना सेय्यरेन्ल इंदे मारी पोडिय वंदु नींगे एन्ना पण्णिक्कणुम नींगे ओरु डब्बाल ओरु नींगे लीव नाळ्ल एन्ना पण्रींगना इंदे मारी सेंजु वच्चिक्किट्टु नींगे लीव नाळ्ल और पाक्स वीटा इत ना आर वीटा नहीं नम यूस पड़ा उलू रोम नल्पी उलकू नम्बर वेमन उलकु से पड़पड़ा नरक इतमी तूवीन रोम टेस्टा इंब और कड़ाई कुछ एन ऊतिको ऊतिक कड़गु उलतम तलचिकन इन परायी कुछ पटकन इत कल करवेपिलेटकन इन कतरीका कतरीका इन वो वर मिग वर को मल करवेपिल मिग जीरक वंदयोंटरकोल वरुत एल वरतकोल वो ना कुछ उपड़े कुछ इतनी कुछ उपड़े कतरीका कतरी कुछ उपड़ों ऐसी अड़े इतल उपड़ो अधिकम पट्टा रोम उपाला कुछ पड़नों इतनी पड़ीना नहीं उपटे पाक्स नहीं फ्रिजी वचिकल मंजपड़ कुछ इंपें कुछ मंजपड़ी ना वतकन इन ना वतंगी कतरीका ना वतंगी ना कुछ तनी तलिक्रे रोम तनी तेलिका कुछ तनी तेली अब तट वूड़ वो
இப்போ பாருங்க கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பொடி இருக்குல்ல இந்த பொடியை கொஞ்சமாக போடலாம். நம்ம காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் பொடி. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், ரசம் சாதத்துக்கெலாம் இது வந்து நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் வறுவல். இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த கத்திரிக்காய் பொடி வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நான் ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நமக்கு கத்திரிக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு, பொடி போட்ட கத்திரிக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.